तो बच्चों इस चैप्टर की रीडिंग हम कर चुके हैं। इस चैप्टर में एक्चुअली क्या बताया गया है, पहले मैं इसका एक बार और नाम बता देता हूँ, उसके एक बार और कैरेक्टर बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 है कूड़े से हरियाली तक। रवि अनम, आप अमन ना समझे, अनम ही है बुक में, अनम ही लिखा है। तो अनम, प्रिया, डेविड, डेविड के पापा और एक अनजान व्यक्ति है। तो फिर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कूड़ा एक बीमारी का घर है, हम लोग जानते हैं अगर ज्यादा इधर उधर कूड़ा करकट फैला होगा तो बीमारी बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन अगर हम कूड़े का ठीक तरह से इस्तेमाल करें, उसका सही प्रयोग करें, सही तरीके से उपयोग करें, तो कूड़े से हमें कई सारे फायदे भी हो सकते हैं। किससे? कूड़े से, ठीक है, कई तरह के फायदे भी हो सकते हैं। तो किस तरह के कूड़े से हमें फायदे हो सकते हैं वो इस चैप्टर में आपको बताऊंगा, और कैसे नुकसान हो सकते हैं वो इस चैप्टर में हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है ये इस चैप्टर में, रवि, अनम, प्रिया, डेविड, डेविड के पापा, क्या होता है, अभी अनजान व्यक्ति की कोई बात नहीं आ रही है, तो अभी नहीं, केवल ये 5 लोग, क्या होता है एक ही मोहल्ले में रहते हैं ये सब लोग, एक ही जगह रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं। रविवार के दिन चारों बच्चे डेविड के पापा के साथ बगीचे में टहलने जा रहे थे, ठीक है, सभी लोग जाते हैं तो ये बच्चे भी जा रहे थे। तभी उनकी निगाह सड़क पर फैले कूड़े की ओर जाती है। यानी जब आप किसी रास्ते से जा रहे हो और आपको रास्ते में कभी ये कूड़ा कूड़े का ढेर मिल जाए, तो रास्ते में मिल जाता है, हमें कितना बुरा लगता है। इसी तरीके से जब वो बच्चे बगीचे की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक कूड़े का ढेर मिला। फिर देखिए क्या होता है, हाँ, कूड़े की ओर उन बच्चों ने देखा, जबकि सड़क के दूसरी ओर कूड़ा घर भी था। कूड़ा घर से मतलब कूड़ा घर, कूड़ा घर का मतलब जहां हम कूड़ा फेंकते हैं, तो मतलब सड़क के दूसरे कूड़ा घर भी था। लेकिन क्या हुआ, वो कूड़ा कूड़े घर में ना पड़े होकर मतलब रोड में पड़ा था, ऐसे सड़क पर पड़ा हुआ था। फिर देखिए क्या होता है, रवि, अब कौन कहता है पहले, रवि नाक बंद करते हुए, नाक उसने बंद कर ली ऐसे करके, रवि ने वो कहता उफ उफ कैसी बदबू है, चारों तरफ सड़ा गला कूड़ा बिखरा हुआ है, यहां से तो निकलना भी बहुत मुश्किल है। कौन कह रहा है, रवि, उफ कैसी बदबू है, सब तरफ कूड़ा है, कितनी बुरी बदबू आ रही है, कितनी बेकार बदबू आ रही है, यहां से तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। कौन कह रहा है, रवि। अब क्या होता है, अब कहता है अनम, कौन, अनम, हाँ देखो यहां कितना कूड़ा पड़ा है। इन सब लोगों में बात चल रही है बच्चों, इन ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं इनमें बातचीत चल रही है, हाँ देखो कितना कूड़ा पड़ा है, जबकि कूड़ा घर खाली पड़ा है, मतलब कूड़ा रोड पर पड़ा है और उसी के बगल में कूड़ा घर है जहां हम लोग कूड़ा डालते हैं, वो खाली है, सब लोग क्या कर रहे हैं, बस रोड पर कूड़ा फेंक कर जा रहे हैं, रोड पर जो सड़क है वहां पर कूड़ा पड़ा हुआ है। देखो कूड़ा घर खाली है, ये मक्खी मच्छर तो बीमारी के घर होते हैं, और ये जो कूड़ा होता है इसी में आप लोग जानते हैं मक्खियां आती हैं, मच्छर आते हैं, और इसी से बीमारी हम तक आती है, यानी मक्खी मच्छरों से बीमारी हम तक आती है। तो ये सब लोग बातें कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रिया, अब प्रिया का नंबर आता है, रवि हो गया, अनम हो गया, अब प्रिया, प्रिया क्या कहती है, ओ कितने मजे से हम लोग बगीचे में घूमने जा रहे थे, इस दुर्गंध से तो सारा मजा ही किरकिरा हो गया। दुर्गंध तो आप लोग जानते होंगे ना बच्चों, बदबू जिसको कहते हैं स्मेल, बेकार बेकार की जो स्मेल होती है बदबू, वो होती है दुर्गंध। तो दुर्गंध मतलब बदबू। तो प्रिया क्या कहती है, इस दुर्गंध ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया, बेकार कर दिया, मतलब अब जल्दी चलो यहां से, नहीं तो हम सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। कौन कह रहा है, प्रिया कह रही है, ये इतनी बदबू आ रही थी, इसने सारा मजा खराब कर दिया, यहां से जल्दी निकलो नहीं तो हम सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, डेविड, अब कौन कहता है, डेविड, डेविड, डेविड क्या, ये डेविड क्या कहता है, कैसे लोग हैं जो कूड़ा कूड़ेदान की जगह बाहर फेंकते हैं, मतलब वहां पर कूड़ादान रखा हुआ है लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कूड़ा जो है बस आए दूर से और इस तरीके से फेंक दिया। अब वो कूड़ा कूड़ेदान में जा रहा है नहीं जा रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है, रोड पर
कूड़ा पड़ा है उन्हें कोई मतलब नहीं, आएंगे नगर पालिका वाले उठाकर ले जाएंगे, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, मतलब हम जाते हैं कूड़ा ऐसे फेंक दिया, अब वो कूड़ा कूड़ेदान में गया नहीं गया कौन देखेगा, हमें भी तो देखना चाहिए। तो फिर क्या होता है, एक बार डेविड कह रहा है कैसे लोग हैं कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालते, ऐसे फेंक के ऐसे चले जाते हैं बाहर पड़ा हुआ सारा कूड़ा। उसके बाद क्या होता है, अब डेविड के पापा का नंबर आता है, डेविड के पापा का नंबर आता है, कहते हैं चलो बच्चों किसी दूसरे पार्क में चलते हैं। अब वो रास्ता तो बहुत खराब था, रोड से निकलना मुश्किल हो रहा था, इतना कूड़ा पड़ा हुआ था। तो डेविड के पापा कहते हैं चलो बच्चों किसी दूसरे रास्ते से चलते हैं। फिर क्या होता है, तभी एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली में कूड़ा लेकर आता है। प्लास्टिक की थैली तो सब लोग जानते होंगे ना, आप लोग बाजार जाते हैं कोई भी सामान लेकर आते हैं, जो थैली आपको प्लास्टिक की थैली मिलती है तो आप लोग जानते होंगे। तो एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली में सामान लेकर आता, वही ये अनजान व्यक्ति है, यही अनजान व्यक्ति प्लास्टिक की थैली में कूड़ा लेकर आता है और क्या करता है, दूसरी ओर से ही फेंकने लगता है। मतलब कूड़ादान रखा है दूर और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर यहाँ खड़ा है तो यहीं से ही, मतलब रोड के उस पार कूड़ादान है, वो दूसरी वहीं से ही जहां वो है वहीं से कूड़ा फेंकने की कोशिश करता है। कौन, एक दूसरा व्यक्ति यानी अनजान व्यक्ति। उसके बाद क्या होता है, चारों मित्र, चारों मित्र कौन, रवि अनम प्रिया और डेविड, चारों मित्र एक साथ चिल्लाते हुए अंकल रुकिए, बच्चों ने एकदम चिल्ला दिया अंकल रुकिए, ये क्या कर रहे हैं, बच्चे कहते हैं ये क्या कर रहे हैं। वह व्यक्ति फिर रुक जाता है, यानी अनजान व्यक्ति रुक जाता कूड़ा फेंकता नहीं। उसके बाद क्या होता है, चारों बच्चे उसके पास जाते हैं, निकट जाते हैं, रवि कहता है, कौन कहता है, रवि, अंकल आप कूड़ा घर के बाहर कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं, ये रवि पूछता है उस अनजान व्यक्ति से। तो फिर और जबकि कूड़ा घर खाली है, रवि क्या कहता है, आप कूड़ा घर के बाहर कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं जबकि कूड़ेदान तो सारा खाली पड़ा हुआ है। फिर क्या होता है, प्रिया कहती है अंकल यह तो रास्ता है ना, अब कौन कहता है, प्रिया, अंकल यह तो रास्ता है ना, अगर आप यहाँ कूड़ा फेंकेंगे तो लोग कैसे चलेंगे जब रास्ते पे कूड़ा पड़ा होगा। फिर देख रहे हैं यहाँ तो एक मिनट भी रुकना मुश्किल है, कौन कह रहा है, प्रिया, देख रहे हैं ना यहाँ तो एक मिनट भी रुकना मुश्किल है क्योंकि रास्ते पर कूड़ा पड़ा हुआ है। फिर क्या होता है, वो व्यक्ति, कौन, ये व्यक्ति अनजान व्यक्ति शर्मिंदा होते हुए, माफ करना बच्चों क्या करूं, कूड़ा घर के बाहर पहले से ही इतना कूड़ा पड़ा है कि वहां जाना मुश्किल है। मतलब उस व्यक्ति का कहने का यह था, आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप इसी डिब्बे को ले लीजिए, मान लीजिए ये कूड़ा घर है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए।